हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप सभी बच्चे ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक जो है हमारा, हम वो शुरू करते हैं। हम चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे कि जितने भी हमारे आसपास जो है वो चेंजेस होते हैं, और हम इसमें कई प्रकार के चेंजेस पढ़ भी चुके हैं। चलिए, आज हम ये चेंजेस कैसे होते हैं, ये मैंने कल शुरू किया था, तो उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो चेंजेस, कुछ चेंजेस जो है वो कूलिंग, जब हम किसी चीज को ठंडा करते हैं तो तब होते हैं, हीट करने पर, गर्म करने पर कोई चेंज होते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सर्टेन थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ जो चीजें होती हैं, कोई कुछ जो थिंग्स होती हैं, वो गर्म करने पर एक्सपेंड होती हैं, यानी कि फैलती हैं। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और ठंडा करने पर क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो आप लोगों ने भी ऐसे कई चेंजेस अपने आसपास देखे होंगे। चलिए, तो यही आज हमारा टॉपिक है, शुरू करते हैं। देयर आर मेनी मेटीरियल्स दैट एक्सपेंड, एक्सपेंड यानी इंक्रीज इन साइज, बड़ा साइज में ज्यादा होना। जब हम उनको गर्म करते हैं, जो है हीट करते हैं, तो क्या हो जाता है, उनका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ना, कम हो जाना। जब हम उनको ठंडा करते हैं, डिक्रीज इन साइज ऑन कूलिंग, कूलिंग यानी ठंडा करना, ठंडा करने पर उनका साइज जो है कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिया है एक मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम। आप लोगों ने, सभी ने देखी होगी, आयरन की कोई चीज देखी होगी अपने घर में, ठीक है, या एल्यूमिनियम की कोई चीज देखी होगी, कोई थिंग्स देखी होंगी। तो आयरन और एल्यूमिनियम ये दोनों मेटल्स हैं, तो जब इनको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, यानी कि इनका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और जब इनको ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, तो इनका साइज कैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है इनका साइज। ठीक है, आगे देखो बच्चों, फिक्सिंग, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम ऑन ए बुलक कार्ट व्हील। जो आप लोगों ने बुलक कार्ट देखा होगा, उसका जो व्हील होता है, पहिया होता है, वो लकड़ी का बना होता है, वुड का बना हुआ होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, बुलक कार्ट है वो वुडन व्हील, जो बुलक कार्ट होती है उसका जो व्हील होता है, पहिया होता है, वो लकड़ी का बना हुआ होता है, वुड का बना हुआ होता है। दीज वुडन व्हील आर फिटेड विद आयरन रिम्स, और उसके अंदर की तरफ आप लोगों ने देखा होगा, जो आयरन है, आयरन की एक रिम जो है फिट की जाती है उसके अंदर, टू मेक देम लास्ट लॉन्गर, ताकि जो व्हील है, जो पहिया है हमारा, वो जो है काफी दिनों तक जो है चल सके। अगर वो लकड़ी का बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, वुड का तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, तो उसके अंदर क्या फिट किया जाता है, आयरन की रिम फिट की जाती है, ताकि वो बहुत ज्यादा दिनों तक चल सके, बहुत ज्यादा दिनों तक कार्य कर सके। द आयरन रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, जो आयरन की रिम होती है उसको साइज में थोड़ा छोटा बनाया जाता है। आप लोगों को बताया था ना मैंने अभी, कि जो मेटल्स होती हैं वो गर्म करने पर कैसी होती है, फैलती है ना, एक्सपेंड होती है, और ठंडा होने पर कैसी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो द आयरन रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, तो जो आयरन की रिम होती है उसको साइज में छोटा बनाया जाता है देन द वुडन व्हील, वुडन व्हील से। ठीक
ठीक है, तो वुडन व्हील थोड़ा साइज में बड़ा होता है और जो उसके अंदर आयरन की रिंग लगानी होती है उसको थोड़ा साइज में छोटा बनाया जाता है। आप लोग अपनी बुक में सभी देखना, ये देखिए ये पिक्चर है, ये जो व्हील दिखाया हुआ है आप लोगों को, ये वुड का बना हुआ है, वुडन व्हील है ये, और इसके अंदर की तरफ ये आयरन की रिम जो है फिट की गई है। ठीक है, तो जो वुडन व्हील है वो वुडन की जो रिम व्हील है, जो वुडन का जो पहिया है, इसको थोड़ा साइज में बड़ा बनाया जाता है, और ये जो इसके अंदर हम आयरन की रिंग जो फिट करने वाले थे वो थोड़ी सी साइज में छोटी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि जब इस आयरन रिम को जो है गर्म किया जाता है, गर्म करने पर क्या होगा, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज इसका बढ़ जाएगा, और जब इसका साइज बढ़ेगा तो इस पहिए के अंदर, इस व्हील के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसका साइज बड़ा हो गया क्योंकि इसको गर्म किया गया था, गर्म करने के बाद इस वुडन व्हील के अंदर इसको फिट कर दिया गया, लेकिन बड़ा साइज तो नहीं चलेगा, अब इसका साइज छोटा भी करना है, तो क्या किया जाएगा, इसको साइज को छोटा करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है, वाटर डाला जाता है। तो वाटर डालने से क्या होगा, ये जो रिम है आयरन की रिम ठंडी होगी। ठीक है, और जैसे ही ये ठंडी होगी तो ठंडी होने पर क्या होती है, मेटल सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। तो क्या होगा, ये अच्छे से आयरन रिम जो है इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाएगी। आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा कि जो है हमारा जो टॉपिक था कि थिंग्स जो है एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ठीक है, जो है कॉन्ट्रैक्ट करने सॉरी ठंडा करने पर कॉन्ट्रेक्शन होता है, और गर्म करने पर क्या होता है, जो है चीजें जो है एक साइज में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से रीडिंग कर लिए।